फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बॉर्डर डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो ये बॉर्डर डिज़ाइन साड़ी, सूट, दुपट्टे कहीं पर भी बना सकते हैं, ब्लाउज़ पर भी बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, आप उसको दबा दीजिए, और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको ज़रूर दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं जो भी नई वीडियो डालूँगी वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। साटन स्टिच से बनाएंगे और 4-5 नंबर बड़ा टांका लेके उससे बनाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह आज हम इसमें शेडिंग देंगे। और फ्रेम को साथ साथ में हम घुमाई जाएंगे। कई बार मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि आप कौन से थ्रेड यूज़ करते हैं। बाज़ार में बहुत सी कंपनियों के थ्रेड मिल जाते हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मशीन के होने चाहिए। हाथ के जो सिल्की थ्रेड हैं वो अलग होते हैं और मशीन के लिए अलग होते हैं। यहाँ हम ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से 0 से लेके 2-3 नंबर लेके और फिर 0 पर ले आएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह फ्रेंड्स, ये हमारी जो डंडियाँ और पत्तियाँ हैं उनको हम 0 टांके से बनाएंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमने पत्तियां बनाई हैं, पत्तियों के बीच में यहाँ हम राइस स्टिच से दो तीन बार एक ही जगह पर टांका लेंगे, दो तीन नंबर टांका लेंगे बड़ा। इस तरह पत्तियों में इसकी फिलिंग जो हम इस तरह करेंगे। आप पत्तियां इस तरह भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, बिगनर्स इसे बड़े आराम से बना लेंगे फ्रेंड्स। और अगर चाहें तो आप पत्तियों में यहाँ पर बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, आप कोई मोती भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ ग्रीन कलर सिल्की धागे से किया है, आप जरी थ्रेड से भी बना सकते हैं। सारी पत्तियाँ इसी तरह बना लेंगे। उसको हम एक दो नंबर पे बनाएंगे। एक ही जगह पर तीन चार नंबर टांका लेंगे यहाँ पर, और फिर एक हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर हम जरी थ्रेड से बिंदी बना देंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।